कोई कुछ नहीं है और कहते पैसा नहीं देना चाहते। अगर ये पैसा देना चाहते तो रोका किसने है? अन्य कंपनी को पैसा क्यों नहीं देना चाह रहे? गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं, भ्रमित करना चाह रहे हैं। सर प्रमाण ये मेरे पास है, ग्वालियर में दिया हुआ है, मैं अभी निकला हूं। मैं आपको बताया था इन्होंने प्राइम सिटी के नाम से इन्होंने ड्राफ्ट दिया है ग्वालियर में, जब डंडा चला है अरेस्ट वारंट निकले तब दिया इन्होंने। तो पैसा कहां से आ गया? बिल्कुल दिया है। अभी मुरैना में 50 लाख का डिमांड गया है जिसमें यहाँ साहब बैठे हुए हैं, वो पैसा कहां से आएगा? उसमें अगले महीने का टाइम दिया है। तो ये क्या है कि ये कहते सीधी खाते में जाएगा, सीधी खाते में पूरे देश का पैसा थोड़ी चले जाएगा। मान 10,000 करोड़ जाता तो 10,000 करोड़ 12 साल में अगर दे देते तो उसका निराकरण हो जाता और जनता को आज इतनी परेशान हो रही रोजी की रोटी नहीं, पाई पाई का हिसाब मिल जाता जनता को। ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कनाई जो मंच पर आते हैं अभी मंच पर इसलिए बैठते हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आरोप लगा दिए। अभी आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 10,000 सिर्फ सर सर प्लीज लीजिए सुन लीजिए एक बार। अभी सर चतुर्वेदी साहब बोल रहे हैं कि 10,000 जरा सा चुप कराइए आप। सुन सुनिए सर, अभी आप आरोप लगा दीजिए, बड़े आरोप लगा चुप कराइए ना। एक मिनट भाई, मुझे बोलने का अधिकार नहीं मिलता, आप ही मैं बोलूंगा क्या सिर्फ? पूरा मौका नहीं, आप बाबू को मेरे का आरोप लगाएंगे? आरोप का जवाब तो नहीं चल रहा है सर। देश के लोग जो सुन रहे हैं हमको, उनको आज की जो चीजें हुई है, कल की जो हुई है, आप सारा स्कैम साबित करना चाह रहे हैं तो हम तो डिफेंड करेंगे ना कि सारा स्कैम नहीं है। आईजी को प्रोफाइल देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग जो जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के 10 करोड़ लोगों का और अपने एनजीओ के 30,000 लोग प्लस जितने लोग के लिए आप एकदम चैनल के माध्यम से वो बताने दिया जाए। आप अपना झूठ सच मुझे बोलना होगा, बाद में बोलते रहिए। आपको बता चुके हैं, आप तो बता चुके हैं, आप मुझे बोलने लगे। अभी चतुर्वेदी आप क्या बोले? चतुर्वेदी साहब का जवाब ले लीजिए फिर आप बोलिए। हम लोग को देना, हमारी बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। सुनिए कन्हैया जी, हमारी बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है और ना आप जवाब दे पाओगे। आप देश के लिए भ्रमित करते हो। आप मेरे को क्या जवाब? सारे जवाब है लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? आपने जवाब दोगे? आप हो कौन? आप डायरेक्टर हो? आप पर्सन नहीं है कन्हैया जी, आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? जो देश के लोग क्लियर बात करना चाहते हैं, इससे हम लोग दोनों आदमी आ रहे हैं। कन्हैया जी ये आपको सतीश जी नागिंदर जी ने सवाल पूछे हैं, एक मिनट रुकिए ना, सतीश जी नागिंदर जी ने आपको सवाल पूछे कन्हैया जी, इसका जवाब दीजिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है या कल कहा था कि आपने वायदे किए थे, आप उस वायदे में फेल हो गए हैं, आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये स्वीकार करेंगे आप कि हाँ मेरा वायदा फेल हुआ? सर अभी अभी कुशवाहा साहब खुद बोले कि सेबी 80,000 करोड़ का डिमांड अपना लायबिलिटी बना के रखा है। मैंने कह रहा, अरे मैंने तो वही सवाल पूछा आपसे, स्वीकार करेंगे क्या वादा हम पूरा करने में फेल हुए? करिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं। कौन कौन सी वादा कर रहे आपको? पहले भी प्रॉमिस किया था कि हमको समय दीजिए, हम कुछ स्कीम लेकर के आते हैं, हमारा पैसा देने का नियत है। तो ये वादा कोर्ट ने कहा कि इस पे आप खड़े नहीं उतरे हैं पहले से भी, तो ये बताइए कि इस पर आप कब खड़े उतरेंगे? सर पहली बात तो ये है कि सेबी क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है तो अब वो फंड को क्या करेगा? सेबी के पास क्यों जमा कराना है सर? सेबी क्लोजर रिपोर्ट है, सेबी ये पैसा किसी को पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वहां फंड क्यों जाएगा जबकि सेबी अभी भी अपनी लायबिलिटी बनाए हुए? अभी सर चतुर्वेदी साहब क्या बोले? अभी सर चतुर्वेदी साहब क्या बोले कि सिर्फ 10,000 करोड़ वहां जाएगा, क्यों नहीं पेमेंट कर पाएगा? अभी आप सेबी क्यों नहीं अभी कर पाएगा? सेबी के पास जो एक्चुअल डिपोजिटर थे जो लोगों ने कन्वर्ट नहीं करवाया
और जो लोग वहाँ एक मिनट नागेंद्र जी कन्हैया जी एक मिनट रुकिए, इसका मतलब आप कोर्ट को भी बेवकूफ समझ रहे हैं टोटल। आप कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि सेबी में हम पैसा देंगे ही नहीं, सेबी तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुका है, तो अदालत में ये बात नहीं आई है, ये क्या दे, बात कर रहे हैं आप? कोर्ट को गुमराह करना चाह रहे हैं, कोर्ट को नहीं गुमराह क्लोजर रिपोर्ट दिखा दो, आप गलत बोल रहे हैं कन्हैया, मुझे बहुत विनम्रता से कहना पड़ेगा कि देखिए नहीं कन्हैया, आप ये गलत बोल रहे हैं। आपके वकील ने क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी कि सेबी ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, अब हम पैसा यहाँ देंगे तो पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, और ये पैसा देने के लिए हमको सेबी की जरूरत नहीं है, हम पैसा बेचेंगे जमीन और पैसा निवेशक को देंगे। आपके वकील ने क्या ये दलील दी कोर्ट में? सर हमारा भी है, उनको वकील ने कहा रोड में तय किया है, मांगा है सर, वकील ने रोड में मांगा, तुम्हें मांगा सर, रोड में कहा है, आप सब लोग एक 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 साइड जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, आप मेरा भी बात सुन लीजिए, हमारा सिर्फ हम लोग का लगातार तैयार नहीं है, सर विश्वजीत पांडेय सारे ने क्या कहा, अरे भाई आप एक जब आदमी बोले तो दूसरा मत बोलिए, चाहे कोई भी हो, कन्हैया बोलिए, बोलने दीजिए जरा कन्हैया। आज हमारी ओर से विश्वजीत भट्टाचार्य साहब ने जो दलील पेश किया वो क्या था, मैं आज की हियरिंग की बात कर रहा हूँ, आज विश्वजीत भट्टाचार्य साहब का हमारा दलील में क्या है, पहला ही सेंटेंस है कि सेबी हैज कंटेंट, सेबी ने कंटेंट दिया है और उसकी सुनवाई हो रही है, अभी बंद भी होगी उसकी, जब सेबी क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, डेडलाइन 2018 में घोषित कर दिया, अभी भी उसके पास 26,000 करोड़ के करीब पड़े हैं, तो एक और अमाउंट वहां पर उनको क्यों दीजिए, सिर्फ इसलिए कि कंटेंट दिया, हमने कंप्लायंस नहीं किया इसलिए दीजिए, तो वो भी देने के लिए तैयार है, लेकिन कंटेंट सेबी ने भी किया है, इसकी भी सुनवाई होनी चाहिए, और यही आज का हमारा दलील है, अब देख लीजिए ये दलील हुआ है कि नहीं हुआ, और जो गोविंद चतुर्वेदी का बोल रहे थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते तो 10,000 सिर्फ जाता सेबी में, और विश्वास आप बोल रहे थे नहीं सेबी में तो अभी भी 80,000 करोड़ का डिमांड बना के रखा, तो क्या 80,000 जाता कि सारा का सारा पैसा सेबी में जाएगा, आप बोलिए क्या कोई प्रॉपर्टी सेल होगा तो सारा सेबी में जाएगा, 10,000 जाएगा, 80,000 लोग जाएगा, कितना जाएगा, क्या बात कर रहे हो, मांग रहा है वो जज ने कहा है, सेबी जो मांग रहा है आज सारे पेपर में 10,000 करोड़ का आया है, तो आप ये कहना चाहते हो कि कोर्ट में हमारे वकील साहब गलत बोल रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं, हम 10,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे, कल उन्होंने कहा कि पैसा चौथा मूलधन देना चाहिए, हम ब्याज नहीं देंगे, मानिए आपके सब 7,500 करोड़ आज क्या हीरिंग हुआ है वो देखिए, आज क्या हुआ है, आज खन्ना साहब ने क्या कहा है वो भी देखिए, कल की बात छोड़ दीजिए, आज 7,500 करोड़ हम सेबी को नहीं देंगे पैसा, अभी तो आप जो बोले हम सेबी को पैसा क्यों देंगे, अभी तो आप जो बोले ना, तो आप अपने वकील साहब से बोले आपके सामने बोले हम पैसा सेबी को नहीं देंगे, क्यों रोड मैप देने जा रहे हैं, वही तो भट्टाचार्य साहब शुरू किए सर, आज हमारी हियरिंग में क्या है सेबी है, और वहीं से बात शुरू